Hey guys, welcome back to my channel Fashion Lover Tanushri and welcome back to Festive Series Day 4. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी कुछ होम मेड ज्वेलरी कलेक्शन. अगर आप लोग फर्स्ट डे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि हाउ मच आई लव ज्वेलरी. और फेस्टिव सीजन चल रहा हो और मैं कोई ज्वेलरी का हॉल ना दिखाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो आज का हॉल ज्वेलरी के ऊपर ही है गाइज, और ये सारी ज्वेलरी मैंने खुद बनाए हैं, खुद डिज़ाइन किए हुए हैं. तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा, क्या लगा, क्या बुरा है, क्या ठीक करना चाहिए, ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा. और मैं ज्वेलरी की बात से याद आ गया, मेरे फेसबुक पे एक पेज है इन लव विद ज्वेलरी, जहाँ पे मैं जो भी मतलब ज्वेलरी बनाती हूँ, जो भी ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ वहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ. तो अगर आपको नई नई डिज़ाइंस की कलेक्शंस देखने हैं तो आप लाइक कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज. उसका सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो. और हाँ गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम में मेरे साथ नहीं हो तो वो भी मेरे साथ प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी लाइफ की कहानी सब कुछ वीडियो की अपडेट देती रहती हूँ. तो आप वो मिस आउट कर देते हैं तो ज़रूर मुझे वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर दीजिए. उसका लिंक और उसका जो आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. नाउ चलिए गाइस, अब वीडियो पे मूव ऑन करते हैं. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है गाइस. तो एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो ज़रूर आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. उसके पास जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. जो आज की ज्वेलरी का कलेक्शन है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो नेकलेस पे है, सारी की सारी ऑलमोस्ट नेकलेस है एक दो छोड़ के. तो इसलिए मैं नेकलेस स्टार्ट करने से पहले दो इयररिंग हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ. उसमें से जो फर्स्ट इयररिंग है वो मैंने नहीं बनाया है, वो मैंने परचेस किया हुआ है. वो कुछ ऐसे दिखती है फ्रेंड्स, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. एकदम नया है, मैंने ओपन नहीं किया. ये एक्चुअली हुप इयररिंग है और मुझे हुप इयररिंग इन दिनों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहनना और काफ़ी इन ट्रेंड भी जा रहा है. तो मैं आपको क्लोज पे दिखा देती हूँ. कुछ ऐसे है इसका कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, सिल्वर कलर का है और बहुत ही ट्रेंडी सा लुक देता है. वैसे दूर से आप इसे देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि स्टोन का वर्क हुआ है. स्टोन का वर्क नहीं है लेकिन बहुत ही ग्लॉजी सा है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये जब आप पहनोगी. तो ये वाला फर्स्ट है जो मैंने नहीं बनाया हुआ है. तो या तो नेक्स्ट वाला जो इयररिंग है वो ये है गाइस, और ये वाला ऑलरेडी आप लोग शायद देख चुके हैं क्योंकि मैंने इसके साथ पोस्ट भी डाला हुआ था. तो या ये एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स में, एक्चुअली ड्रीम कैचर इयररिंग है, आप लोग कह सकते हो ड्रीम कैचर इयररिंग है. और ड्रीम कैचर को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने इसको बनाया था क्योंकि मुझे ड्रीम कैचर बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इयररिंग में कन्वर्ट किया जाए. तो आप लोग देख सकते हो कुछ ड्रीम कैचर जैसा बीच का वो डिज़ाइन है. छोटा है तो उतना बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं है, बट एक ड्रीम कैचर वाला डिज़ाइन देने की मैंने ट्राई किया हुआ है. और नीचे टर्सल्स लगा हुआ है. ये बहुत देखने में लग रहा होगा बहुत हेवी है लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. उल का है मेनली, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. आप किसी भी ड्रेस के साथ इसे कैरी आउट कर सकते हो, कोई भी न्यूड कलर की ड्रेसेस के साथ इसको पॉप आउट कर सकते हो. ये बहुत ही अच्छे से आपकी ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा. तो ये तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा. तो इयरिंग की कलेक्शन ख़त्म हो गई, मैंने बोला था ज़्यादा इयरिंग नहीं है इस बार. तो नेक्स्ट जो है वो ये वाला सेट है. ये एक नेक पीस और इयरिंग का सेट है. काफ़ी सिंपल सा है, डेली वेयर भी कर सकते हो आप इसे. बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है लेकिन इसका जो कम्बिनेशन है आप इसको बहुत सारी ड्रेसेस के साथ ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो वाइट और ब्लैक मोती, आई मीन ब्लैक पर्ल टाइप की बीड्स के साथ बनाया हुआ है और उसके बीच में इस तरीके की स्टार फिश टाइप का डिज़ाइन है, स्टार फिश वाला लॉकेट्स है. और इसका इयररिंग भी कुछ इस तरीके से है और इसका इयररिंग थोड़ा सा सेफ्टी पिन टाइप का जो हुक होते हैं ना इस तरीके से ओपन होता है.
1 minute. इस तरीके से ओपन होता है ये, तो ऐसे वाला है, काफ़ी कंफर्टेबल है, आप दिन भर इसे पहन सकते हो, आपका कान दर्द नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, पुश वाली जो ईयरिंग होती है उसमें दर्द हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी केस नहीं है, तो आप पहन सकते हो आराम से। तो ये वाला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डेली वेयर के लिए, जो लोग साड़ी वगैरह पहनते हैं या जिनको ज्वेलरी डेली बेसिस पे वेयर करने के लिए कुछ लाइट ज्वेलरी चाहिए, तो ऐसी डिज़ाइन आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो। तो या ये एक सेट है, इसका दूसरा ईयरिंग पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो हाँ ये एक सेट है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं पहन। ओके, तो नेक्स्ट है ये वाला एक बोहो टाइप का, आप लोग कह सकते हो एक नेक पीस कुछ, ये जब आप पहनोगी ना थोड़ा बहुत चोकर टाइप का फीलिंग देगा, चोकर टाइप का है और बहुत मतलब कलरफुल है, बहुत ज़्यादा कलर इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। इसका जो आप लोग टॉसिल देख सकते हो वो भी बहुत कलरफुल है, बहुत सारी कलर से बना हुआ है और इसका लॉकेट बना हुआ है वो करी से, और ये वाइट कलर का है, बीच में एक पॉम्पॉम है, नीचे एक टर्सल है। तो अगर आप किसी वाइट कलर की ड्रेस पहन रही हो तो उसको उसके साथ अगर आप इसे पेयर अप करोगी ना तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लुक आ जाएगा आपकी ड्रेस के, ड्रेस को ये कलर ऐड करेगा, बहुत ज़्यादा कलरफुल है और बहुत सारी चीज़ों के साथ इसे पेयर आउट कर सकते हो, क्योंकि इस पर बहुत सारा कलर है, आप जिस कलर के साथ उस कलर के साथ इसे पेयर अप कर सकते हो। तो ये वाला एक नेक्स्ट ऑप्शन है और थोड़ा सा बोहो टाइप की डिज़ाइन में बना हुआ है ये, तो ये मेरा नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट जो मैं नेक पीस दिखाऊंगी आप लोगों को, वो भी कलरफुल बीज के साथ बना हुआ है और उसका बीच का लॉकेट आप लोग देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से है और बीच में एक झुमका लगा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ कलरफुल बीड्स मैंने ऐड किया है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, यहाँ पे कलरफुल बीड्स के साथ बनाए हुआ है ये। तो इस तरीके से लॉक सिस्टम में ये ओपन होता है, इस तरीके की लॉक है इसके अंदर, तो आपकी गले में एडजस्ट हो जाएगा। और ये भी अगेन साड़ी के साथ, एथनिक वेयर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो या ये एक नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके साथ आप झुमका ट्राई आउट कर सकते हो, इसके साथ पेयर पे तो मैंने नहीं बनाया लेकिन इसके साथ झुमका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो या ये वाला एक नेक पीस है, इनफैक्ट जो लोग नई नई शादी के बाद थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा मंगलसूत्र टाइप में है, तो जो लोग शादी के बाद कुछ लाइट ज्वेलरी चाहते हैं वो लोग भी इसे ट्राई आउट कर सकते हैं, झुमके के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका कम्बिनेशन। तो या ये मेरा नेक्स्ट। देन मैं आप लोगों को जो दिखाऊंगी वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये एक 3 लेयर नेकलेस है फ्रेंड्स, मैं इसको पहन के आपको दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं आपको दिखा दूंगी पहन के इसके एंड में। तो ये कुछ 3 लेयर का नेक पीस है और आप लोग देख सकते हो इसमें ना गोल्डन बीड्स भी है, मोती है और सिल्वर बीड्स भी है, तो आपकी किसी भी टाइप की ड्रेस के साथ ये कम्प्लीमेंट करेगा, चाहे वो गोल्डन बेस पे हो या सिल्वर बेस में हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और 3 लेयर का है, आप अगर इसे पहन लोगी ना तो इसके साथ ईयरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो मेकअप लुक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इनफैक्ट ब्लैक के साथ भी, इस ड्रेस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो ये ऐसे एक टेंटी सा पीस है ना गाइस, इसको आप एथनिक वेयर के साथ भी वेयर कर सकते हो, लॉन्ग ग्राउंड्स के साथ वेयर कर सकते हो, ये तो मल्टीपर्पज़ है, मुझे पर्सनली ये वाला बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो भी काफ़ी कलरफुल है, एक्चुअली नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, तो मैंने थोड़ा कलरफुल कलेक्शन से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। इसका बीच का जो लॉकेट है देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा काम हो रखा है और नीचे इस तरीके से ईयर ड्रॉप्स में सिल्वर कलर का बीट्स लगा हुआ है और इसमें पॉम्पॉम ऐड किया है मैंने, डिफरेंट कलर्स का पॉम्पॉम, अगेन ये आप बहुत सारी कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकते हो, या भी आप लोगों को दिखाई देगा कि मल्टी कलर का बीट्स है ब्लैक के शेड में।
ब्लैक ज़्यादा है बट मल्टी कलर भी है, बहुत सारे कलर भी है। पॉम पॉम की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक ओवरऑल बहुत खूबसूरत एक लुक आ जाता है। ये भी अगेन आप ब्लैक ड्रेस के साथ, इनफैक्ट मुझे लग रहा है इसके साथ भी काफ़ी अच्छा जाएगा, और साड़ी के साथ, सलवार के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। नवरात्रि में आप लोग लहंगा के साथ भी इस टाइप की ज्वेलरी ट्राई कर सकते हो, तो या ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये भी अगेन इसके साथ अगर कोई ईयर रिंग नहीं भी पहनोगी तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत हेवी सा लुक देता है। तो या बहुत नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाऊंगी वो अगेन आप डेली वेयर के लिए ले सकते हो, आई मीन डेली वेयर पे आप इसे यूज कर सकते हो। इसके बीच में एक बुद्धा का लॉकेट है, आप लोग देखिए, जो काफी ज्यादा खूबसूरत है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। छोटा सा लॉकेट है और फिर इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए थोड़ा सा यू नो एलिफेंट टाइप का बीट्स है सिल्वर कलर में, और ब्लैक और वाइट मोती का काम हो रखा है। ये भी अगेन किसी भी ड्रेस के साथ आप कैरी आउट कर सकते हो, पेयर अप कर सकते हो, और ये भी अगेन डेली वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइट वेट है और आप कभी भी इसको पहन सकते हो। कुर्ती वगैरह के साथ भी आप इसे नेक्स्ट जो है वो एक चेन में है, सिल्वर कलर का चेन है, चेन की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चेन है और ये भी एक ना आप डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दो थ्रेड टाइप का बीट्स लगाया है और बीच में इस तरीके की एक लॉकेट है, तो आप इसको यू नो मेनली आप इसको वायलेट कलर की ड्रेस के साथ पेयर अप करोगी तो अच्छा लगेगा, इसका कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ पेयर अप करोगी तो भी अच्छा लगेगा। एंड ये भी अगेन डेली वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन है, तो ये भी काफ़ी लाइट वेट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दिन भर आप इसे कैरी कर सकोगी। तो या ये भी अगेन एक बहुत ही डेंटी सा और बहुत ही लाइट वेट सा। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो देखिए, ये भी अगेन एक सिल्वर कलर का लॉकेट है, इसके बीच में एक स्टोन लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये भी अगेन कलरफुल बीट्स के साथ आया है और इसमें झुनझुनी भी लगा हुआ है, झुनझुनी इस तरीके की, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आवाज़ भी करेगा। तो या ये भी अगेन बहुत ही ओवरऑल एक हेवी सा लुक दे देगा आपकी ड्रेस को, सिंपल सी ड्रेस को आप ऐसी टाइप की ज्वेलरी के साथ ना गॉर्जियस बना सकते हो। तो या ये भी अगेन एक बहुत ही यू नो गॉर्जियस ऑप्शन है, आप नवरात्रि पे ट्राई कर सकते हो, आप दुर्गा पूजा में भी ऐसी टाइप की ज्वेलरी ट्राई कर सकते हो। मेनली ये वाली ज्वेलरी जो है ये एथनिक वेयर के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, या आप किसी प्लेन ड्रेस के साथ इसे ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। सो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट लुक का एक ज्वेलरी है, चोकर में आएगा, टू लेयर का है ये, बीच में सिल्वर कलर का राउंड टाइप का कुछ लॉकेट है और बीच में इसका मिरर लगा हुआ है, और दो लेयर में आएगा, यहाँ बीच में दो आउल भी है इस तरीके के। ये भी मैं आपको जब पहन के दिखाऊंगी आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक लुक देता है। ये अगेन एक चोकर की फॉर्म में है, एक आपकी गले में इस तरीके से रहेगा, दूसरा जो है वो नीचे ऐसे आएगा। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन है, ये गोल्डन कलर का लॉकेट है, बीच में आप लोग देख सकते हैं आउल है, आउल भी काफ़ी ट्रेंड में है अभी, और आप लोग देखो इसका जो आईज है वो ब्लैक कलर का स्टोन लगा हुआ है, इसमें बहुत ही खूबसूरत एक लॉकेट है, और इसके साथ भी मैंने अगेन कलरफुल बीट्स के साथ इसको बनाया है। ये भी अगेन आपकी कोई भी सिंपल सा ड्रेस को पॉप आउट कर देगा, सिंपल सा ड्रेस को बहुत कलरफुल बना देगा, कलर ऐड करेगा, क्योंकि फेस्टिवल्स का टाइम है तो मैं कलरफुल चीज़ें लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो ये वाला भी अगेन बहुत खूबसूरत लगेगा, किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसके साथ भी ऐसी टाइप की ज्वेलरी के साथ भी आप अगर ईयर रिंग स्किप कर दो तो भी अच्छा जाएगा। तो या ये वाला मेरा लास्ट ऑप्शन था ईयर रिंग का, सॉरी नेक पीस का, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये आउल का लॉकेट मेनली मुझे बहुत पसंद है। तो या यहीं पे ख़त्म होता है मेरा हॉल, मेरी ज्वेलरी का हॉल, और अगर आपको और भी डिटेल्स में ये सारी ज्वेलरीज देखने हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो गाइज, और आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा ज्वेलरी अच्छा लगा, या फिर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसी टाइप की ज्वेलरी आपको पसंद है आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि ये जो ज्वेलरी है इसको लेके मैं कुछ सोच रही हूँ कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आपको अच्छा लगा कौन सा नहीं, और आपको ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा गाइस। तो आज ख़त्म करते हैं ये वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो भी, तब तक के लिए।